घाटी में दुकानें रही बंद, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर अलगाववादियों की कॉल पर मंगलवार को श्रीनगर में दुकानें बंद रही हैं। इसके अलावा कारोबारी प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप भी बंद रहे और साथ ही सड़कों पर यातायात भी बाकी दिनों के मुकाबले कम देखने को मिला है। घाटी के संवेदनशील इलाकों में किसी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। अलगाववादियों की कॉल का श्रीनगर के डाउनटाउन के इलाकों में असर दिखाई दिया है और ऐसी ही खबरें घाटी के अन्य जिलों से भी आई हुई हैं। कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की ओर से सोमवार को बयान जारी कर मानवाधिकार दिवस पर बंद के साथ ही काला दिवस मनाने की अपील की गई थी, जिसका असर साफ देखने को मिला।